गाड़ी क्यों रोक दी मैडम? वी आर वेटिंग। छोटे साजन, आप कभी कुतिया आए हैं? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कभी कोई कुत्ता आपके घर के बाहर रो रहा हो तो उसे चिढ़ाने के लिए आप भी डॉगी स्टाइल में कभी रोए हैं? नहीं मैडम, मैं ऐसा कभी मैंने कुत्ते के साथ छेड़खानी नहीं की। मैं जब भी रोया हूँ तो नॉर्मल इंसानी आवाज में ही रोया हूँ मैं। हाउ बोरिंग। चलो अब ट्राई करो, मुझे डॉगी स्टाइल में रोके दिखाओ। ये सिग्नल है हमारा मिस्टर साजन, समझा कीजिए। जब आप यहाँ पे रोएंगे तो सामने से मुझे सिग्नल आएगा, वो भी उसी स्टाइल में रोएगा, सो वी विल गेट अ सिग्नल। रोइए। ओह मैडम, कुछ पीला रुमाल टाइप रख लेते। सॉरी सॉरी मैडम, रोता हूँ। It's not working, Mr. Sajan. आप एक काम कीजिए, पतली आवाज निकालिए, पोमेरियन स्टाइल रोइए प्लीज। मैडम कुत्ता तो कुत्ता होता ना, कोई भी उठा लो। इसका मतलब आप भावनाओं को समझने वालों में से नहीं है मिस्टर साजन। हर इंसान की तरह हर किस्म का कुत्ता भी एक स्टाइल से रोता है, वो दिखाता है अपने फीलिंग्स अलग अलग तरीके से। दिखाइए आप भी, कम ऑन, डोंट वेस्ट माय टाइम मिस्टर साजन, रोइए। वो भारी आवाज निकालिए, जर्मन शेफर्ड की तरह। नो नो नो, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, एक अलग आवाज ट्राई करते हैं, लैब्राडोर की तरह, मीडियम रेंज में प्लीज। देसी स्टाइल से करिए प्लीज, स्ट्रीट डॉग। सिग्नल मिल गया। ओके छोटे साजन, वो पेड़ दिख रहा है आपको, वहां पे ये ब्रीफकेस जाके रख दीजिए। गो, यू डोंट हैव टाइम, हरी अप। गाड़ी स्टार्ट रखिएगा मैडम। आजा, भागना बेकार है। माल पकड़ा गया मैडम, माल पकड़ा गया। तो कान के पास से गोली निकली, गाली से नहीं। गॉड, डर से। जीजा, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर भूपेश, आप मुझे विश नहीं करेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। जीजा, क्यों होगा, आज कहीं नहीं भेजेगा मन्ने? मिस्टर भूपेश जी। मैडम ये लीजिए मेरी गाड़ी की चाबी, डैशबोर्ड के ऊपर एक फाइल पड़ी है, प्लीज लेके आइएगा। वेलकम मैडम। जीजा छोड़ ना यार, जान दे। हेलो हेलो, किस कंपनी में काम करती हैं आप? यूज मी। और आप? काली बिजली। क्या मतलब? ये भी यूज मी में ही काम करते हैं, मैनेजर है वहां पे। दरअसल हम कलीग्स हैं। ओके ओके, लगता है पुलिस वालों को देख के काफी डरते हैं आप। ऐसा कह सकते हैं। भाई डरने की क्या जरूरत है, हम पुलिस वाले सिर्फ क्रिमिनल के साथ ही सख्ती से पेश आते हैं। बाकी तो नॉर्मल सिविलियंस के लिए हम एक आम इंसान हैं, हमसे डरने की क्या जरूरत है? और वैसे भी कोई तुम अपराधी तो हो नहीं, हम अपराधियों के साथ तो बहुत सख्ती से पेश आते हैं, उनकी खाल भी नोच लेते हैं।
यहाँ पे किस काम से आना हुआ? दरअसल एक स्मगलर है जो ऐसे ही किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है, लेकिन रात को वो स्मगलिंग करता है। उसी के छानबीन में मैं यहाँ आया हूँ। आप लोग भी चौकन्ने रहिए और अपने ऑफिस में जरा ध्यान दीजिए। अगर जरा सा भी आपको किसी पे शक हो तो मुझे इत्तला करिए। रिलैक्स यंग मैन, रिलैक्स। डरपोक बने की सारे हद क्रॉस कर दिए आपने। और बेटा क्या प्रोग्रेस है? बस वही चल रहा है। लालवानी अंडरगार्मेंट्स के आइडिया पे काम कर रही हूँ अभी। क्या काम कर रहे हो? मैं अंडरगार्मेंट्स की नहीं, अंडरवर्ल्ड के काम की बात कर रहा हूँ। ओह, अबाउट दैट, पापा आज रात हम एक मिशन पे जाने वाले हैं, उसमें छोटा साजन मेरे साथ चलेंगे। लेकिन याद रखना, छोटा साजन अभी हमारे इस धंधे में बहुत छोटा है और हम लोग पुराने चावल हैं। अगर बाई चांस उसे कोई गलती हो जाए तो फौरन उसे गोली मार देना, क्योंकि ऐसे लोग पुलिस में सब कुछ उगल देते हैं। प्रोफेशनल डॉन की तरह बात कर रहे हैं, हम यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। बस बेटा मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम्हारी हंसी ना निकल जाए मेरी एक्टिंग देख के। मेरी हंसी तो नहीं निकलेगी पापा, बस आप निकली हैं यहाँ से। मिस्टर साजन आते ही होंगे। अरे ये बताओ बेटा, ये कब तक ये नाटक करना पड़ेगा, कब तक? जस्ट अ फ्यू मोर डेज पापा। मिस्टर साजन एक बहुत ही मोटे चमड़ी के घाघ आदमी है, इतने आसानी से समझेंगे नहीं, और उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑफिस में सिर्फ काम की बातें होनी चाहिए। राइट बच्ची हाथ से निकल गई। ऐसा मत कहिए पापा, एक दिन वाकई निकल जाऊंगी। सॉरी बेटा, मैं मजाक कर रहा था, एक्टिंग। बाय बेटा, टेक केयर। बाय।